चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बूट गांव निवासी प्लाईवुड व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 9 आरोपी पकड़े गए हैं जो सभी गंगरार के रहने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद बनी माली हालत के चलते इन्होंने ये वारदात की थी। मामले में पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने खुलासा करते हुए बताया कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक देसी कट्टा सहित फिरौती में ली गई 5.5 लाख की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने एक अल्टो कार, एक बाइक भी बरामद की गई है। चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय पर राणा सांगा बाजार में प्लाईवुड के व्यापारी जो कि अपने गांव बूट जा रहे थे, 21 अक्टूबर को रात्रि को करीब 7:30 बजे मार्ग में एक अल्टो कार ने टक्कर मार दी और व्यापारी को अपहरण कर कुछ युवक ले गए। बाद में व्यापारी के मोबाइल से ही परिजनों से 7 लाख की फिरौती मांगी गई। उनके बताए हुए स्थान पर रकम लेकर पहुंचे तो वो फरार हो गए। व्यापारी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इस मामले को चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने गंभीरता से लिया तथा टीमों का गठन किया। अनुसंधान करते हुए पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को धर दबोचा। 9 आरोपियों में से 2 आरोपी पहले भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके थे, जबकि 7 आरोपी ऐसे थे जो लॉकडाउन और उसके बाद के हालातों के मद्देनजर बेरोजगारी के चलते इस प्रकार की वारदात में शामिल हो गए। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। देखिए, 21 और 22 की दरमियानी रात जो बुड़ गांव गंगरार थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसके व्यापारी प्रमोद कोठारी जी, जिनकी एक प्लाईवुड की दुकान है राणा सांगा बाजार में, उनका अपहरण हुआ था और उनकी फिरौती की रकम मांगी गई थी, जो उनके पिता ने फिरौती की रकम देकर उनको छुड़ाया था। उस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की थी, जिसमें SHO गंगरार शिवराज गुर्जर, हमारे DST प्रभारी शिवलाल मीणा और उनके नेतृत्व में कई टीमें बनाई थी, जो लगातार पूछताछ करते हुए संदेह के आधार पे और तकनीकी सहारा लेते हुए मुलजिमों तक पहुंच गई। 21 और 22 की दरमियानी रात में प्रमोद जी अपनी दुकान को बढ़ाकर जब बुड़ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुरातिया के पास में उन ऑल्टो गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, वो नीचे गिर गए। उसमें से 4 लोगों ने उतर के उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी लेके उनको भीलवाड़ा सोनियाणा की तरफ घुमाते रहे और उन्हीं के फ़ोन से उनके पिता को फ़ोन करके फिरौती की रकम मांगी थी। तो इस मामले का खुलासा करते हुए अब तक टीम ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑल्टो कार रिकवर हो गई है, 1 देसी कट्टा, 2 चाकू बरामद हो गए हैं और जो फिरौती की रकम है उसमें से 5.5 लाख रुपए अब तक जब्त कर लिए हैं। अभी 3 मुलजिम और कुछ रकम शेष है जिसके लिए टीमें लगी हुई हैं। ये आसपास के लोकल ही हैं, बुड़ के हैं, कस्बे के गंगरार के हैं। इसमें 2 मुख्य आरोपी हैं, दिनेश जाट और साजिद खान पठान। ये एकलिंगपुर के हैं दिनेश जाट और साजिद गंगरार कस्बे के हैं। इनकी प्रमुख जितना भी मास्टरमाइंड है इन दोनों का है। इन्होंने ही अपने अन्य साथियों के साथ में ये योजना को भी बनाया था। इससे पहले 21 तारीख से पहले 20 तारीख को भी इन्होंने कोशिश की थी, परंतु तब प्रमोद कोठारी के साथ में एक व्यक्ति और मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, तो ये अपनी इसको अंजाम नहीं दे पाए थे इस वारदात को। इन्होंने रेकी भी करी थी, ये भी देखा था कि ये इनके पास में कैश हो सकता है और व्यापारी हैं तो पैसा भी होगा, तो इन्होंने प्लान बना के पूरा इसको अंजाम दिया। अपने 2 साथियों के साथ में स्विफ्ट गाड़ी में रेकी करके आगे खड़े हो गए थे और दिनेश ने यहाँ से डिपर देके पीछे जो साजिद ऑल्टो में आ रहा था उसको डिपर देके बताया कि अब प्रमोद यहाँ पे पहुँच गए, तब उसने अपनी गाड़ी से टक्कर मार के उसको नीचे गिरा दिया।